हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जो कि है सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो इसका सब टॉपिक ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, व्हाट इज सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल नोशंस जो कि एक्सटर्नल, ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, नॉन ट्रेडिशनल नोशन, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी रिलेट्स टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। तो सिक्योरिटी क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, बहुत ही एक डेंजरस थ्रेट्स है, दैट कुड बी सो इन डेंजर कोर वैल्यूज। क्या हुआ, ये थ्रेट आने के कारण हमारी जो कोर वैल्यूज है उसको इनडेंजर करता है। तो वट इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। सिक्योरिटी क्या इम्प्लाई करता है, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, थ्रेट्स से फ्रीडम। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। ह्यूमन को एग्जिस्ट करना और कंट्री का जो लाइफ है वो क्या है, फुल ऑफ थ्रेट्स से भरा हुआ है। तो द नोशन ऑफ सिक्योरिटी कैन बी ग्रुप इनटू टू। देखो, आप हमारे जो नोशन है सिक्योरिटी का, जो नोशन है वो ग्रुप करा है सिर्फ टू में। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल नोशन जो कि बोथ एक्सटर्नल यानी इंटरनल, एंड सेकेंड जो ग्रुप है वो नॉन ट्रेडिशनल नोशन। अब देखो, ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में हमेशा मिलिट्री पावर से ही रिलेटेड होता है, और नॉन ट्रेडिशनल नोशंस मतलब हमारे जो इश्यूज है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, माइग्रेशन के बारे में, उसमें ये ट्रेडिशनल नोशंस में हम टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, उन सबको हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है ट्रेडिशनल नोशंस जो कि एक्सटर्नल है, ट्रेडिशनल नोशंस दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल थ्रेट्स एक्सपीरियंस मिलिट्री पावर। अब देखो, ट्रेडिशनल नोशंस का जो एक्सपीरियंस वो एक्सटर्नल जो है वो क्या करता है, एक्सटर्नल थ्रेट्स को एक्सपीरियंस करता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर के थ्रेट्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। अब बाहर के थ्रेट्स को कैसे हम वो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे मिलिट्री थ्रेट्स, जैसे अगर इंडिया हो तो अगर दूसरा कंट्री हमें हमारे ऊपर अगर वो कंट्रोल करना चाहता है तो वो क्या हुआ, मिलिट्री थ्रेट। इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी द ग्रेटेस्ट डेंजर इज फॉर मिलिट्री पावर। इस ट्रेडिशनल नोशंस जो कि एक्सटर्नल है, इसमें हमें सिक्योरिटी, इसमें सबसे ज्यादा थ्रेट हमें कहाँ से आता है, मिलिट्री पावर की वजह से। बाहर की जो मिलिट्री पावर है वो क्या कर सकता है, हमें थ्रेट कर सकता है। तो मिलिट्री एक्शन ऑल्सो इंडेंजर्स द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। मिलिट्री एक्शन की वजह से जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स का जो लाइफ है उसको भी क्या कर सकता है, इंडेंजर कर सकता है। और हमारा सब टॉपिक हुआ, बट सिक्योरिटी हुआ हमारा, ट्रेडिशनल नोशंस जो कि हमारा एक्सटर्नल है वो भी हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल नोशंस जो कि इंटरनल है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न इटसेल्फ विद द इंटरनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी है वो किसके साथ कंसर्न रहता है, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या हुआ कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको क्या करा, बट हमारे जो पावरफुल कंट्रीज उन्होंने इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया। आफ्टर 1945 यूएसए एंड यूएसएसआर वर एक्सपेक्टेड टू हैव पीस। 1945 के बाद यूएसए और यूएसएसआर ने एक्सपेक्ट करा कि सिर्फ वहाँ की जो बॉर्डर्स है वहाँ पे सिर्फ पीस ही होगा। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ऑल्सो हैड मोर इंटरनल थ्रेट्स थ्रू कम्युनिटीज। हमारे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, वो भी क्या, उन्होंने भी क्या एक्सपेक्ट करा कि उनके अंदर भी कोई इंटरनल थ्रेट्स नहीं है। तो देयरफॉर दिस कंट्रीज फोकस ऑन थ्रेट्स आउटसाइड द बॉर्डर्स। अब देखो, ये ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो हमारे ये कंट्रीज थे उन्होंने मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटीज को क्या करा और भी फोकस करा उन्होंने, ठीक है। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर स्टार्टेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो हमें पता है कि हाँ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुए किसके बीच, दो सुपर पावर के बीच, यूएसए और यूएसएसआर। तो द टू अलायंसेस फियर्ड मिलिट्री अटैक्स फ्रॉम ईच अदर। हमारे जो दो सुपर पावर है उनका एक अलायंस था, जैसे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलायंस है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो हमारे यूएसएसआर का अलायंस है वॉरसो
पैक्ट. तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और जो हमारी अलायंसेस थे नाटो और वॉर्सो, वो लोग क्या हुआ, उन्होंने मिलिट्री अटैक्स, मतलब इन दोनों का क्या था सुपर पावर को यही था कि यही डर था कि एक दूसरे से मिलिट्री अटैक्स ना आ जाए. तो यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो फियर्ड अबाउट वायलेंस. तो हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको भी डर लगने लगा कि वायलेंस के वजह से. द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/3 ऑफ ऑल वॉर. हमारा जो कोल्ड वॉर हुआ हमारे दो सुपर पावर के बीच यूएसए और यूएसएसआर, वही क्या था रिस्पॉन्सिबल था कोल्ड वॉर के बाद जितने भी वॉर हुआ उन कोल्ड वॉर के बाद जितने भी वॉर हुआ हमारे 1/3 यूएसए और यूएसएसआर रिस्पॉन्सिबल था. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस फियर दैट दे माइट गेट अटैक बाय कॉलोनियल रूलर. हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जो कि हमारा है इंडिया जिसको रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था, तो वो लोग भी डरते थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी डरते थे कि उन पे भी उन पे जो पहले किसने रूल किया वही कॉलोनियल रूलर उन पे फिर से अटैक ना कर दे. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन. इट इज़ अ रिकॉग्निशन इन लिमिटिंग वायलेंस. ये क्या है, रिकॉग्निशन है वायलेंस को लिमिट करना. और इट इज़ नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट कंट्री शुड गो फॉर अ वॉर फॉर द राइट रीजन. और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि कंट्री को कब जाना चाहिए वॉर में, तब जाना चाहिए जब उनके पास एक रीजन अच्छा सा हो. वो रीजन है सेल्फ डिफेंस के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए और प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम जेनोसाइड, जेनोसाइड से पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो सबसे पहले इसमें हम तीन चीज पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा डिसआर्मेंट. डिसआर्मेंट रिक्वायर्स ऑल द स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ. इसमें क्या है, डिसआर्मेंट में ये कहा गया है कि जितने भी स्टेट्स कंट्रीज है उनको क्या करें, अपने वेपन्स को गिव अप करें. तो 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ और 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ. मोर देन 155 स्टेट्स हेडेड टू बीडब्ल्यूसी एंड 181 स्टेट्स फॉर सीडब्ल्यूसी. बट द यूएसए एंड यूएसएसआर डिड नॉट वांटेड टू गिव अप दैट टाइप ऑफ वेपन. बट जो हमारे यूएसए और यूएसएसआर है उस वेपन को गिव अप नहीं करना चाहता था. वो वेपन है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. और सेकेंड है हमारा आर्म्स कंट्रोल. रेगुलेट्स द डेवलपमेंट और एक्विजिशन ऑफ वेपन्स. मतलब उस डेवलपमेंट और वेपन्स और उसको एक्विजिशन रेगुलेट करता है. 1992 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारे आउटर स्पेस में जाके टेस्ट करता है, तो 1992 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्राइड टू स्टॉप यूएसए एंड यूएसएसआर फॉर यूजिंग एपीएम. तो 1992 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करा, यूएसए और यूएसएसआर को स्टॉप करा इसको यूज करने से. और सॉल्ट सेकेंड करके हमारे पास ट्रीटी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी एंड लास्ट वन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये सब साइन किया. और लास्ट थिंग है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में क्या होता है, म्यूचुअली ट्रस्ट करता है. ठीक है, म्यूचुअली ट्रस्ट करता है. इट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वॉर. ये क्या है, अवॉइडिंग वॉर है. मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से क्या होता है, वॉर को अवॉइड करता है. इट इज अ प्रोसेस इन विच कंट्री शेयर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन विद राइवल्स. तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंट्री अपना आइडियाज और इन्फॉर्मेशन शेयर करता है किससे, अपने राइवल से. नेक्स्ट क्लास में हमारे पास चार सब टॉपिक बचा है, वो है हमारा नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा नॉन ट्रेडिशनल नोशन. हमने पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में यही पढ़ा था कि ट्रेडिशनल नोशंस क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों. इसमें पढ़ेंगे हम नॉन ट्रेडिशनल नोशंस. इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल सिक्योरिटी. तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है वो क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. प्लस इसमें मैंने पहले ही बताया था कि नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर फोकस किस पे करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, माइग्रेशन और ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी. इन सब पे हम नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में फोकस इसमें करेंगे. ठीक है, तो ह्यूमन सिक्योरिटी इन अ नैरो सेंस प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस. तो हमारा अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में अगर हम पढ़े तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या, अगर हम नैरो सेंस में पढ़े तो क्या है, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना. ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल वायलेंस जो भी हो रहा है उससे क्या करना, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हंगर एंड डिजीज. और ह्यूमन सिक्योरिटी में और किससे प्रोटेक्ट करेंगे,
हंगर और डिजीज से भी. ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टू थ्रेट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू एंड सो ऑन. अब ग्लोबल सिक्योरिटी किसको रिस्पॉन्ड करता है? ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टू थ्रेट लाइक जो ग्लोबल वार्मिंग है उन पर रिस्पॉन्ड करता है, इंटरनेशनल टेररिज्म पे करता है, हेल्थ एपिडेमिक्स पे करता है और एड्स जो है हमारी जो डिजीज है उस पर भी करता है और बर्ड फ्लू और सो ऑन. तो हमारे जो है नॉन ट्रेडिशनल नोशन, अगर हम प्रोपोनेंट्स ऑफ नेरो के हिसाब से अगर हम पढ़े तो इसमें क्या है, उन्होंने यही लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स एंड वायलेंस. तो प्रोपोनेंट्स ऑफ नेरो जो है उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन सिक्योरिटी को इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है, कम्युनिटी को करना है, कहाँ से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है. लेकिन जो हमारे जो ये ब्रॉड प्रोपोनेंट्स जो है उन्होंने यही कहा कि नहीं, हमारे जो ये नॉन ट्रेडिशनल नोशंस है इसमें किसको प्रोटेक्ट करना है, जैसे पॉवर्टी को हटाना, डिजीज जितना भी उसको वो कर सॉल्व करना, नेचुरल डिजास्टर्स को इन सबको क्या करना, सॉल्व करना, ये कहा है. ओके, और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स. अब देखो नॉन ट्रेडिशनल नोशन तो हमने पढ़ लिया, अब क्या है हमारा न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स. न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स में इट इंक्लूड्स टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन एंड हेल्थ एपिडेमिक्स. न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स में सबसे पहला हमारा टेररिज्म. अब टेररिज्म है क्या? रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस. एक पॉलिटिकल वायलेंस है दैट टारगेट्स सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली. जो टेररिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल वायलेंस है. ये क्या करता है? सिविलियंस को टारगेट करता है डेलिबरेटली और इनडिस्क्रिमिनेटली. अब टेररिज्म का अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजेकिंग प्लेन्स, किलिंग एक्सेट्रा, जैसे 9/11 जो हमारा हुआ था वो भी इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है हमारा न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स में नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स क्या है? इसमें पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स भी है. किसमें? ह्यूमन राइट्स में. अब क्या होता है कि किसी किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट अगर हमें खड़ा होना हो या ह्यूमन राइट्स को अगर वायलेट करे तो क्या हो जाता है, वो इन्वॉल्व पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स. मतलब ह्यूमन राइट्स में कौन कौन सा राइट्स इन्वॉल्व है? पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स. ह्यूमन राइट्स को कभी वायलेट कर ही नहीं सकता. नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल सिक्योरिटी. इसमें ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी है ये कब इमर्ज हुआ? 1990s से. इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स, माइग्रेशन. इसमें क्या होता है ग्लोबल सिक्योरिटी में? ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स या माइग्रेशन को इसमें ग्लोबल सिक्योरिटी में ये ऐसे इश्यूज किस में आते हैं? ग्लोबल सिक्योरिटी में. अगर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज मस्ट. अगर ऐसे इश्यूज है हमारे इसमें ग्लोबल सिक्योरिटी में तो इसका क्या होता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन ही जरूरी है इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या है? लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? दोस्त हो वॉलंटियरली लीव द कंट्री इन सर्च ऑफ जॉब्स हो या किसी बिजनेस को वो करना, तो वो लोग क्या करते हैं? माइग्रेट करता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी. कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या है? इट इज रिक्वायर टू एलिमिनेट पॉवर. हाँ, तो ये जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ये कब रिक्वायर हुआ? पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, माइग्रेशन को मैनेज करना, रिफ्यूजी मूवमेंट्स को क्या करना, मैनेज करना. ठीक है, तो कोऑपरेशन में भी बायलेटरल, रीजनल, कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल. तो क्या होता है, ये जो कोऑपरेशन सिक्योरिटी है वो बायलेटरल भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है या ग्लोबली भी हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी. हमारा जो इंडिया का जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है वो कैसा है? इंडिया हैज फेस्ड बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स. हमारा जो इंडिया है उन्होंने क्या कर, उसने फेस करा ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों थ्रेट्स को. ट्रेडिशनल में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मिलिट्री पावर को हम वो करते हैं, कंसर्न करते हैं. और नॉन ट्रेडिशनल में हमारे जो इश्यूज होते हैं, जो ये ग्लोबल सिक्योरिटी जो होता है, क्या टेररिज्म, माइग्रेशन, ये सब हमारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में आ जाता है. तो इंडिया ने ये दोनों को क्या करा, फेस करा. तो इट्स सिक्योरिटी हैज फोर कंपोनेंट्स. तो इंडिया का जो सिक्योरिटी है उसका चार कॉम्पोनेंट्स है. फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज. फर्स्ट हमारा सिक्योरिटी फोर कॉम्पोनेंट्स क्या है? फर्स्ट है हमारा मिलिट्री कैपेबिलिटीज को क्या करना, स्ट्रेंथन करना.
सेकेंड है हमारा टू स्ट्रेंथ इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल जो भी नॉर्म्स है उसको भी क्या करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू मीट सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर जो भी चैलेंजेस होता है उसको क्या करना, सॉल्व करना। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा लास्ट है टू लिफ्ट द सिटीजन आउट ऑफ पॉवर्टी इकोनॉमिक इक्वालिटीज, और जो हमारे इंडिया का इंडियन जो सिटीजन होते हैं उसको क्या करना, लिफ्ट करना कहाँ से, पॉवर्टी से निकल कर, मतलब उनको भी उनका जो बेसिक नेसेसिटीज आइटम्स उनको भी प्रोवाइड करना, जैसे आउट ऑफ पॉवर्टी लाना, प्लस जो भी हमारे इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, चाहे वो वेजेस के हिसाब से भी हो या कास्ट उनके बेसिस में भी थोड़ा होता है, तो उनको भी क्या करना, वो करना, लिफ्ट करना, ओके। और हम फिर से वो करेंगे, चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। हमारा ये सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, तो हमारा सिक्योरिटी का मतलब फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स है, ओके। तो सेकेंड है हमारा ट्रेडिशनल नोशंस जो कि है एक्सटर्नल, इसमें हमेशा मिलिट्री पावर को लेके ही होता है, जैसे एक कंट्री और दूसरा कंट्री हमेशा एक दूसरे से क्या होता है कि डर के रहते हैं, कोई कभी ये कंट्री उस पर क्या कर दे, अटैक ना कर दे, किसके वजह से, मिलिट्री पावर की वजह से। और नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मस्ट देयरफॉर कंसर्न विद इटसेल्फ विद इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें सिर्फ इंटरनली जो सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें यही कहा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनल सिक्योरिटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और कैसे कॉपरेट करना है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। इसमें हमने तीन चीज के बारे में पढ़ा था, डिसआर्मेंट, आर्म्स कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो डिसआर्मेंट में यही कहा था कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसको गिव अप कर देना। आर्म्स कंट्रोल में हमने यही पढ़ा था कि एक्विजिशन ऑफ वेपन्स एंड कॉन्फिड इसमें वो रेगुलेट नहीं करना है। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब म्यूचुअली ट्रस्ट करना एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, ओके। नेक्स्ट है हमारा ये नॉन ट्रेडिशनल नोशन, इसमें सिर्फ फोकस किया गया है किस पे, ग्लोबल वार्मिंग और टेररिज्म, माइग्रेशन, इन पे इसमें नॉन ट्रेडिशनल नोशन ने इसमें वो फोकस करा है। और हमारे जो ये ग्लोबल सिक्योरिटी है वो किसको रिस्पॉन्ड, कैसे थ्रेट्स को ये रिस्पॉन्ड करता है, ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स जैसे कि एड्स है हमारा, और बर्ड फ्लू एंड सो। नेक्स्ट है हमारा न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, कैसे कैसे सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स है। फर्स्ट है हमारा टेररिज्म, ये क्या करता है, पॉलिटिकल वायलेंस है जो कि सिविलियंस को टारगेट करता है डेलिबरेटली और इनडिस्क्रिमिनेटली। सेकेंड है हमारा ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स में क्या कौन सा राइट्स इन्वॉल्व होता है, पॉलिटिकल राइट और इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। नेक्स्ट है ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी कब से इमर्ज हुआ, 1990s से ही हुआ है, और इसमें ऐसे इश्यूज को सॉल्व करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स, माइग्रेशन। इसमें क्या होता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी में अगर कोई इश्यूज हो तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन ही जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन जो कि वॉलंटरीली अपनी कंट्री को क्या करता है, लीव करता है। सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, ये कोऑपरेटिव सिक्योरिटी कब जरूरी है, जब पॉवर्टी को हटाना हो तो, माइग्रेशन को मैनेज करना हो, या रिफ्यूजी जो मूवमेंट्स करते हैं उसको भी मेंटेन करना हो। तो लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जो कि हमारे इंडिया ने दोनों थ्रेट्स को क्या किया, फेस किया, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। और हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को चार कॉम्पोनेंट्स उन्होंने वो करा है। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज, सेकेंड है टू स्ट्रेंथ इंटरनेशनल नॉर्म्स, थर्ड है टू मीट सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द बॉर्डर, लास्ट है हमारा टू लिफ्ट द सिटीजंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। थैंक यू।